हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्नन लर्निंग ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। हम अपने इस आज के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में बात करेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी के तीसरे लेक्चर में लेक्चर की। मैं आप अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ रिगार्डिंग द डीएनए आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन। वो था प्लांट सेल को हमने है ना, प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट किया था, बैक्टीरियल सेल से डीएनए आइसोलेट किया था। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि एग्लोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे सेपरेट करते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे प्रोटीन्स को कैसे सेपरेट करते हैं। आई नो मैंने आपको प्रोटीन्स प्योरिफिकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया है, वो मैं आपको जब टेक्निक्स पढ़ाऊंगी उसके साथ रिलेट करूंगी। अभी हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एसडीएस पेज की बात करेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ एसडीएस पेज पहले, इसकी फुल फॉर्म ये होता क्या है। हम यहीं पर चलते हैं एसडीएस पेज का, यहीं इस कॉर्नर में स्टार्ट करते हैं। एसडीएस पेज ये क्या है, पॉली एसडीएस इज सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट। क्या है ये, सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट। ये भी क्या है, हमारा एक डिटर्जेंट होता है, जैसे हमने उसमें सी टैप पढ़ा था ना वैसे ही। और ये क्या है, पॉली अक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ पॉली अक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, देखिए क्या है ये, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पहले से पढ़ा हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है किसी चीज़ का सेपरेशन, कि जेल में किसी चीज़ को लोड करके फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करना उसके सेपरेशन के लिए। बट वहाँ पे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, यहाँ पे क्या था, पॉली एक्रिलामाइड। इट मीन्स एक्रिलामाइड का पॉलीमराइजेशन करके, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड। ओके, इसको यूज़ करके फिर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। किसका सेपरेशन होता है एसडीएस पेज में, प्रोटीन्स का। ऑब्वियसली ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए। नॉर्मली हमारी प्रोटीन क्या है, नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में किस फॉर्म में पाया जाता है, 3D स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। अगर हम ये कहें 3D फॉर्म है उसका, 3D स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन अपने एक्टिव फॉर्म में होती है, स्टेबल फॉर्म में होती है, 3D फॉर्म में तो स्टेबल होती है, तो यहाँ पर क्या है, 3D फॉर्म है उसका। तो जब हमने उसको डीनेचरिंग सब्सटेंस प्रोवाइड कराए, ठीक है, इसमें मतलब मैं अभी आपको इसका प्रोसीजर बता रही हूँ, जब मैंने इसमें डीनेचरिंग सब्सटेंसेस प्रोवाइड कराए तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एसडीएस से ट्रीट कराएंगे। जब आप एसडीएस से ट्रीट कराओगे तो ओवरऑल प्रोटीन पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एसडीएस की वजह से क्या होता है, ओवरऑल प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अभी मैं आपको इसका मैकेनिज्म पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको अभी इसका बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे सेपरेशन होगा। एक्चुअली ये अगर आपको फिगर ध्यान में रहेगी तो आप आराम से बाकी का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमारा प्रोटीन हो गया है डीनेचर, ओके, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम देखेंगे अगर नेट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इसकी वजह से प्रोटीन क्या करेगी, हमारी मूवमेंट करेगी। इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन का मूवमेंट होगा। अगर यहाँ पे मैं ये जेल बना दूँ, जेल की फिगर, यहाँ पर कॉम अलग टाइप के हैं, और यहाँ पर जेल हमारा टू टाइप का होता है, एक होता है स्टैकिंग, ठीक है, स्टैकिंग मीन्स कहीं पे इकट्ठा करना उसको, और दूसरा होता है रिजॉल्विंग। अब इसके बेसिस पे हमारा क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हमारा प्रोटीन सेपरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, ठीक है। अगर ये मेरी हो जाएगी 15 KDa, तो ये है 20 KDa, और ये मेरी होगी 45 KDa, तो प्रोटीन का सेपरेशन किसके बेसिस पे हो गया, मॉलिकुलर वेट। ओके, यहाँ पर सेपरेशन हो गया प्रोटीन का बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वेट, ओके, पर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैंने देखिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी है, अब जब मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दिया, अब हम इसको समझते हैं पूरे एसडीएस के प्रोसेस को। देखिए एसडीएस के प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, एसडीएस क्या है, सोडियम ड्यूडिसाइल, हम यहाँ पे क्या है, डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, और किसके सेपरेशन के लिए, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए, ठीक है। आप क्या यूज़ कर रहे हो, प्रोटीन का सेपरेशन करना है यहाँ पे। प्रोटीन का सेपरेशन एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, प्रोटीन का सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन मास एंड चार्ज डेंसिटी।
अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे हम चार्ज डेंसिटी को रूल आउट करेंगे, ठीक है। मास एंड चार्ज डेंसिटी। मास क्या है? मॉलिकुलर वेट, वेदर हमारा प्रोटीन 10 kDa का है, 15 kDa का है, 20 kDa का, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बेसिस पे मॉलिकुलर वेट और मास, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, मास ही हमारा क्या है, मॉलिकुलर वेट है। आप इस डायग्राम को प्लीज़ ड्रॉ कर लीजिए और इन सब चीज़ों को समझते रहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोटीन, उसको सेपरेट करेंगे मॉलिकुलर वेट और चार्ज डेंसिटी। अब अगर जब भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल चलो मास में हमें समझ आया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला कॉन्सेप्ट है कि जो लाइटर होगा जिसका मॉलिकुलर वेट कम होगा दैट विल मूव फास्टर, वो क्या होगा, दैट विल मूव फास्टर, ओके। जो हैवियर होगा वो क्या होगा, ये हम तब केस ले रहे हैं, ये वाला केस हम तब कंसीडर कर रहे हैं अगर हमारी चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी जीरो कह लो या फिर कह लो इक्वल है बोथ केसेस में, ठीक है, इक्वल इन बोथ केसेस, ओके। उस टाइम पे क्या होगा, लाइटर मॉलिक्यूल विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू हैवियर, ओके, हैवियर के कंपैरेटिवली लाइटर ज़्यादा जल्दी चला जाएगा। बट इन केस ये तो मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जो लाइट वेट होगा वो जल्दी भाग जाएगा एज कम्पेयर टू जो हैवी वेट होगा, ओके, ये तो नॉर्मल है। बट वॉट है ना, इफ तब क्या होगा, अगर मॉलिकुलर वेट हमारा मतलब प्रोटीन का बराबर होगा, अगर आप दो प्रोटीन को सेपरेट कर रहे हो और उन दोनों प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट इक्वल है, तब हम किसके बेसिस पे सेपरेशन करेंगे, तब हम सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर चार्ज डेंसिटी। देखिए ये चीज़ें इसलिए हमें समझनी ज़रूरी है, इन केस क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मतलब मॉलिकुलर वेट सेम है और आपने SDS की अमाउंट भी कम ली है या फिर अभी SDS नहीं बाइंड कराया है, तो आप कैसे किसके बेसिस पे सेपरेट करोगे, तो सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या है, मतलब जो हमारा प्रोटीन है, हमें पता है प्रोटीन किससे बना है, पेप्टाइड बॉन्ड, और वो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में थे, अमीनो एसिड्स के बीच में, तो ऑब्वियसली क्या यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, अमीनो एसिड्स हमने पढ़े थे, अमीनो एसिड पे भी क्या होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज के लिए, ओके, चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोटीन में, तो इन्हीं की वजह से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर चार्ज डेंसिटी उनमें अलग अलग होगी तो किस बेसिस पे सेपरेशन होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हम समझे कि अगर मोर इज द चार्ज डेंसिटी, आप इसको ऐसे समझो, मोर इज द चार्ज डेंसिटी फास्टर विल बी द मूवमेंट, ओके। देखिए अब आप सोचोगे कि जब ये हल्का है, मॉलिकुलर वेट कम है, तब ये जल्दी जा रहा है, तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जल्दी क्यों जाएगा, ऑब्वियसली हमें पता है क्या है, प्रोटीन पे चार्ज डेवलप हुआ है, या तो चार्ज है या फिर SDS ने डेवलप किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, उतना ज़्यादा वो भाग भाग के पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या कॉन्सेप्ट है, मोर इज द चार्ज डेंसिटी फास्टर विल बी द मूवमेंट, ठीक है। ये है कुछ नॉर्मल फंडा कि एक तो ये मॉलिकुलर वेट पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, व्हाट इफ द चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, और व्हाट अगर मॉलिकुलर वेट सेम है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल टेक्निक है SDS-PAGE की, सबसे पहली टेक्निक है जो जनरली लैब्स में यूज़ की जाती है फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। जब भी आप प्रोटीन प्योरीफाई करोगे लैब में, तो सबसे पहले आप बेसिक टेक्निक लगाओगे SDS, और ये क्या है, नॉर्मल टेक्निक है। यहाँ पर डी नेचरिंग सब्सटांस हमने यूज़ किए हैं। डी नेचरिंग सब्सटांसेस कौन कौन से होते हैं, जो प्रोटीन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, कौन से वाले को, डाइसल्फाइड बॉन्ड को, तो वो हमारे क्या होंगे, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, सबसे कॉमन होगा बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, ओके। ये तो हमारा था प्रोसेस। अब मैं आपको बता दूँ कि ये होता कैसे है। सबसे पहले हमने ली एक नेटिव प्रोटीन, हमारा 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक बफर में डिजॉल्व करेंगे, और वहाँ पे बफर में क्या प्रोवाइड कराएंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे अपना डी नेचरिंग सब्सटांस, वो क्या होगा हमारा, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल। बीटा मरकैप्टो इथेनॉल की वजह से क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर उसके बाद हम ट्रीट कराएंगे सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट। सोडियम ड्यूडिसाइल सल्फेट क्या करता है, प्रोटीन में
अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड कर जाता है और ओवरऑल प्रोटीन को क्या दे देता है, नेट नेगेटिव चार्ज। मतलब ये जो एसडीएस है ये इतना उसको चार्ज देता है कि जो प्रोटीन का अपना असली चार्ज होता है वो छुप जाता है। इसका मतलब ये कि एसडीएस प्रोटीन को ऐसे कवर कर लेता है कि प्रोटीन की अपनी आइडेंटिटी है वो छुप जाती है। तो अल्टीमेटली प्रोटीन पे क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या होता है, प्रोटीन पे नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है अगला स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन को अपलोड करना एसडीएस में। ठीक है, ये एसडीएस की जो हमारी यूनिट है इसको एक्चुअली हम एसडीएस बोल देते हैं, पर यह है तो पॉलीक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस यूनिट में अब हमें अपना प्रोटीन अपलोड करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट एज अ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। कैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ये यूनिट बनाई, इसमें मैंने ये तो जैसे चलो मेरे वेल हो गए, ठीक है, जिसमें सैंपल लोड करना है, ये मैंने बनाई यहाँ पे स्टैकिंग जेल, ठीक है, और ये हमारा हुआ रिजॉल्विंग जेल। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू टाइप ऑफ जेल बन रहे हैं। कितने टाइप के जेल हैं, टू टाइप्स ऑफ जेल हैं। ये टू मैंने दो बार लिख दिया, यहाँ पे है टू टाइप्स ऑफ जेल। अगर मैं बात करूँ स्टैकिंग जेल की, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे स्टैकिंग एंड रिजॉल्विंग दो जेल बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे प्रोटीन्स को पहले एक बैंड, मतलब एक बैंड की फॉर्म में वेल्स में स्टेबलाइज किया जाता है। मतलब अगर आपने प्रोटीन अपलोड की, ठीक है, इसमें लोडिंग की प्रोटीन की, तो उसके बाद क्या होता है, चांसेस रहते हैं प्रोटीन ऐसे बिखर जाए। तो उसकी वजह से स्टैकिंग जेल की कॉन्सेंट्रेशन ऐसी होती है कि वो प्रोटीन को क्या करता है, एक जगह इकट्ठा होने में हेल्प करता है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन एक ही जगह एक ही शार्प बैंड में इकट्ठी हो जाती है। यहाँ पे रिजॉल्विंग नहीं हो रही है, उसको सेपरेशन नहीं हो रहा, बस प्रोटीन को क्या किया जा रहा है, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग और सेकेंड, चलो पहले वो उसके फंक्शन की बात कर लेते हैं रिजॉल्विंग जेल की। रिजॉल्विंग जेल, जैसे कि इसका नाम मेंशन हो रहा है, रिजॉल्व करना मतलब रेजोल्यूशन के लिए, इट मीन्स कि प्रोटीन को यहाँ पे डिफरेंस किया जाता है। मतलब रिजॉल्विंग जेल ही ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोटीन क्या है, अपने मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट हो जाती है। क्या होती है, मॉलिकुलर वेट की वजह से सेपरेट हो जाता है, तो वो क्या हुआ हमारा रिजॉल्विंग जेल। मतलब असली सेपरेशन आएगा रिजॉल्विंग जेल में, स्टैकिंग में क्या होगा, वो अपने बैंड्स वेल में कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। और यहाँ तक क्या है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल भी अपलोड करोगे तो वो सारे एक ही पोजीशन में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई सेपरेट नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या है, स्टैकिंग एंड रिजॉल्विंग का फंडा। अब आपको मैं कुछ कंपोनेंट्स बता दूँ इसके एसडीएस पेज के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसका नाम है पॉलीएक्रिलामाइड, इसका मतलब पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, एक्रिलामाइड का। तो ऑब्वियसली सबसे पहला कॉम्पोनेंट क्या होगा, एक्रिलामाइड। ओके, अब ये एक्रिलामाइड है, इसको पॉलीमराइज होना है, तो ये अपने आप तो पॉलीमराइज नहीं होगा, हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ लाइक कैटलिस्ट ऐड करने पड़ेंगे जो इनिशिएट करेंगे पॉलीमराइजेशन को, कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, कुछ बफर देना पड़ेगा। तो उन्हीं सारे कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। जब एक्रिलामाइड है वो अकेला है पॉलीमराइज होकर जेल को इतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए करवा पाएगा, तो उसी के साथ यूज़ किया जाता है एक्रिलामाइड एंड बिस एक्रिलामाइड। ये क्या है, ये है बिस एक्रिलामाइड। बिस का मैंने आपको बताया था ना, जब अलग अलग पोजिशन पे सेम कार्बन पे अलग अलग फॉस्फेट अटैच होते हैं, तो वैसे ही क्या यहाँ पे बिस एक्रिलामाइड यूज़ होगा। पर जो हमारा एक्रिलामाइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू बिस एक्रिलामाइड। इट मीन्स कि बिस एक्रिलामाइड किसके लिए ज़रूरत है, हमें पॉलीमराइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट होता है अमोनियम परसल्फेट, इसको जनरली लैब में APS करके बोला जाता है। क्या है, अमोनियम परसल्फेट, ये किस लिए, ये पॉलीमराइजेशन के लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है हमारा NNN टेट्रामिथाइलिन डायामीन, इसको आप लैब में बोलते हो टेमेड, TEMED। ये एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है और इसी की वजह से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन इनिशिएट होता है। ठीक है, APS भी हमारा पॉलीमराइजेशन के लिए, और जो टेमेड है वो क्या करता है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिस बफर। ये जो ट्रिस बफर है ये क्या है, ये बफर है मतलब आयनाइजेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आयनाइजेशन के लिए और प्रॉपर जो है प्रोटीन को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टैकिंग और रिजॉल्विंग जेल है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, देखिए रिजॉल्विंग जेल की अमाउंट है ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको देखिए आपको खुद ही दिख रहा है ना यहाँ फिगर में, स्टैकिंग तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, रिजॉल्विंग यहाँ तक आएगा, तो इसका मतलब जो रिजॉल्विंग है उसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, स्टैकिंग की कम होगी, ऑब्वियसली जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी उसमें कॉम्पोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। मान लो अगर एक में ये पड़ रहा है पूरा मिला के 20 माइक्रोलीटर या 10 20 माइक्रोलीटर,
इसमें पड़ेगा 40 माइक्रोलीटर या 50 माइक्रोलीटर, तो ये डिफरेंस हुआ। बट एक और चीज़ का मेजर डिफरेंस है, दैट इज़ अ ट्रिस बफर। ट्रिस बफर की पीएच का बहुत बड़ा रोल है। इसमें इसकी पीएच 8.8 होगी और इस वाले केस में 6.8 होगी। अगर आप पीएच को थोड़ा सा भी एक्सचेंज कर दोगे तो जेल क्या है हमारा, पॉलीमराइज नहीं होगा। तो यहाँ पे बफर की पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे स्टैकिंग एंड डिजॉल्विंग जेल की। अब जब आपने इसमें स्टैकिंग एंड डिजॉल्विंग जेल बना ली, सबसे पहले कौन सी बनेगा? ऑब्वियसली पहले नीचे वाली बनेगी डिजॉल्विंग जेल, सॉरी इसमें 8.8 पीएच है और उसमें 6.8 पीएच है। पहले आपने क्या किया, अपना रिजॉल्विंग जेल बनाया। अब रिजॉल्विंग जेल में आप क्या करोगे, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसी के ऊपर क्या करोगे, स्टैकिंग जेल बनाओगे। फिर स्टैकिंग जेल का जो कंपोनेंट है उसको पोर करोगे और फिर उसको सॉलिडिफाई होने दोगे। वहाँ पे जैसे हमने कॉम इंसर्ट किया था एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप स्टैकिंग जेल बना लोगे उसमें कॉम इंसर्ट करोगे, फिर जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो कॉम रिमूव कर दोगे और वहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेल। और उन वेल्स में हमारा सैंपल लोडिंग होगी, उसमें क्या होगा, सैंपल की लोडिंग होगी। ये जेल बड़ा डेलिकेट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला बन रहा है, आप दो प्लेट्स के बीच में बना रहे हो। आप क्या करना, SDS-PAGE का जो ऑपरेटर्स है ना उसको गूगल करके देखना, आपको पता चल जाएगी उसकी इमेज। और इनकेस अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे SDS-PAGE ऑपरेट किया है तो और भी अच्छी बात है, आप आराम से मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने अब अपना सैंपल लोड कर दिया। अब यहाँ पे भी क्या है, करंट प्रोवाइड कराया जाएगा, करंट, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो हमारा प्रोटीन है इसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन को नेट नेगेटिव चार्ज दे दिया गया है, जैसे डीएनए के केस में था, तो ऑब्वियसली किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ओके, एनोड की तरफ जाएगा। हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, वही कैथोड है, एनोड वाला कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव चार्ज इट मीन्स अनायंस, ओके, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कटायन। तो ये अनायंस किसकी तरफ जाएंगे, दे विल मूव टूवर्ड्स एनोड, अनायंस विल मूव टूवर्ड्स एनोड एंड कैटायन विल मूव टूवर्ड्स अ कैथोड, ओके। तो ये एनायन किसकी तरफ जाएंगे, मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख लो इसको, एनोड की तरफ मूव करेंगे। हमारा एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसे करके क्या है, प्रोटीन का सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर वेट। ये मैंने वही बनाया 15 kDa, 20 kDa एंड 45 kDa, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये SDS-PAGE वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, बस प्रोटीन का सेपरेशन है बेस्ड ऑन मास एंड चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ मॉलिकुलर वेट का ही वैसे रोल होता है, क्यों, क्योंकि SDS क्या करता है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा देता है। तो आपको याद रखना है कैसे इसमें सेपरेशन होता है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, आप ऑब्वियसली कितना भी लार्ज प्रोटीन उसको सेपरेट कर सकते हो, पर जो ये इसका जो नॉर्मल बेसिक SDS-PAGE है, इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि हमें यहाँ पे पता नहीं चलता कि जो हमारा प्रोटीन है वो ऑलिगोमर है कि फॉर्म में है, वो डाइमर है, टेट्रामर है, कैसे, वो यहाँ पे नहीं पता चलेगा। उसके लिए हम फर्दर वो करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी होती है हमारी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, या फिर बाकी टाइप का होता है, अगर हम आईसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करें तो वहाँ पे भी हमें पता चल जाता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, मतलब उसमें मोनोफॉस्फेटिक है, डाईफॉस्फेटिक है या ट्राईफॉस्फेटिक है, वो सारी चीज़ें क्या है, वहाँ से पता चलती है। ये जस्ट क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए होता है कि हाँ, जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन है क्या वो उस ऑर्गेनली में, मतलब इकोलाई में या ईस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है, जो क्लोनिंग एंड प्योरीफिकेशन के बाद का स्टेप है उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, मैंने यहाँ पे सेकंड टेक्निक लिखी है, दैट इज़ अ जेल रिटार्डेशन एसे। अब देखिए, जेल रिटार्डेशन एसे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इसके नाम से ही, ओके, ब्लू पेन से लिखते हैं हम इसको। सेकंड हमारा है जेल रिटार्डेशन, देखिए जेल रिटार्डेशन, ये हमारा क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड, ये पेज से रिलेटेड नहीं है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, इसको जेल रिटार्डेशन ऐसे, इसके और भी नाम है, इसको इम्सा भी बोला जाता है, इम्सा की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका ज़्यादा फोकस किस पे है, मोबिलिटी पे। मोबिलिटी मीन्स हमारे, हम बात करें डीएनए की मूवमेंट से रिलेटेड, ओके।
तो यहाँ पे इसका कैसे लेना है, डीएनए की मूवमेंट से। आप सोचोगे कि भाई जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया उसमें भी तो हम डीएनए मूवमेंट की बात कर रहे थे, तो ये कैसे डिफरेंट हुआ उससे? एक्चुअली वहाँ पे क्या था, हम सिर्फ डीएनए को मूव करा के दे रहे थे, मॉलिक्यूलर वेट उसके मास के बेसिस पे उसको सेपरेट कर रहे थे साइज के बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जेल का रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब अगर आप नॉर्मल दौड़ रहे हो तो आप जा रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर कोई आपको आके पकड़ ले या फिर कोई हेल्दी पर्सन आपके ऊपर हाथ रख दे तो आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी ना। वही काम यहाँ पे है, जेल नॉर्मली जा रहा है पर यहाँ पे जेल का रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का रीज़न क्या है, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोटीन बाइंड हो रहा है ठीक है। तो प्रोटीन की वजह से क्या होगी, यहाँ पे जेल की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या होगी, ऑब्वियसली सॉरी जेल की स्पीड नहीं, डीएनए की स्पीड स्लो हो जाएगी। ओके देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। मेरा डीएनए अगर इनकेस है, ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैक्सिमम 10 kDa के लिए, सॉरी 10 kilo बेस पेयर्स के लिए हम यूज़ करते हैं 10 kDa के लिए ठीक है। अगर मेरा डीएनए फॉर एग्जांपल 1000 बेस पेयर का है ठीक है, 1000 बेस पेयर का है नॉर्मल डीएनए, एक सैंपल हो गया नॉर्मल डीएनए, दूसरा सैंपल हो गया डीएनए प्लस प्रोटीन। अगर डीएनए हमारा 1000 बेस पेयर का भी है तो प्रोटीन भी तो हमारी कुछ बेस पेयर की होगी ठीक है। मैं यहाँ पे किलो डाल्टन और ऐसे कुछ नहीं, हम अमीनो एसिड के बेसिस पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कुछ भी बेस हैं, अमीनो एसिड्स हैं, अगर यहाँ 50 अमीनो एसिड्स भी हैं ठीक है, यहाँ 50 नहीं पेप्टाइड का ही देखा जाएगा, अगर 10 अमीनो एसिड्स भी हैं तब भी तो ये कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूलर वेट को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें पता है 1 अमीनो एसिड इज इक्वल टू है ना 110 डाल्टन, 110 डाल्टन होता है ना ये 1 अमीनो एसिड, तो इसका मतलब ये कुछ तो मॉलिक्यूलर वेट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की, इस टाइम पे हमने अपनी यूनिट तैयार की ठीक है। ये मेरी यूनिट है, ऑब्वियसली मैं आपको यूनिट के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने आपको बॉक्स का एग्जांपल से समझाया था, तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखिए ये मैंने यहाँ पे वेल बने, यहाँ पे वैसे वेल इस फॉर्म में नहीं होते, यहाँ पे वेल ऐसे करके होते हैं ठीक है। ये मेरा यूनिट है, अब यहाँ पे मैंने सैंपल लोड कर दिया, ये मेरा सैंपल आ गया, ये है सिंपल डीएनए, ये है डीएनए प्लस प्रोटीन ओके। अब यहाँ पे करंट प्रोवाइड करा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे भी एनोड एंड कैथोड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी और क्या होगा ये मूव करेंगे। तो यहाँ पे डीएनए सिर्फ 1000 बेस पेयर है तो वो क्या करेगा, आराम से मूव कर जाएगा। ये क्या है, लाइटर। और जबकि जहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन बाइंड होगा वो क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, वो क्या होगा हमारा पीछे रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हैवी है। अच्छा आप सोचोगे कि चलो ये तो ऑब्वियस है कि अगर डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड हो गया तो वो पीछे रह जाएगा, तो इसका बेनिफिट क्या है? एक्चुअली क्या है, हमें पता है हमारे क्या होते हैं डीएनए, और अगर प्रोटीन की बात करें इसका मतलब ये थोड़ा कोई भी अमीनो एसिड का स्ट्रेच है, जैसे कि हमारे पॉलीमरेसिस हुए वो भी तो प्रोटीन इन नेचर हुए, एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स होते हैं, या फिर आपका प्रोमोटर से बाइंडिंग है आपको वो चेक करनी है कि वहाँ पे प्रोमोटर से है ना, हमारा प्रोमोटर भी तो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, वहाँ पे कुछ बाइंड किया है कि नहीं किया है, कि अगर हमने अपना कोई एक्टिविटी करनी है हमने एक्टिविटी से पहले अपने डीएनए प्लस एंजाइम को ट्रीट कराया तो हमें चेक करना है क्या वो बाइंड हो गया है वहाँ पे। मतलब ये एक्चुअली होता है टू नो अबाउट बाइंडिंग ओके। हम यहाँ पे सिर्फ बाइंडिंग चेक करते हैं, ये नहीं चेक करें कि कौन से स्पेसिफिक साइट पे बाइंड हुआ है, बस यहाँ पे क्या है ये चेक करना कि क्या हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है या फिर एंजाइम है जिसके साथ हमने एक्टिविटी चेक करनी है अपने प्रोटीन की या डीएनए की, क्या वो बाइंड हो गया है। ये कई बार क्या होता है, अगर हमने प्रोटीन प्योरीफाई किया है, ऐसा नहीं कि डीएनए आइसोलेट करके उसको ट्रीट कराया है, यहाँ पे क्या है अगर हमने प्रोटीन प्योरीफाई कर लिया है फिर हमें देखना है कि उसकी न्यूक्लिक एसिड के साथ एक्टिविटी है, न्यूक्लिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे उसको डीएनए के साथ इंक्यूबेट करके जेल पे लोड कर देंगे। तो और साथ में उसके साथ हम क्या करेंगे अपना एक टेस्ट भी चलाएंगे, वो है हमारा सिंपल डीएनए। तो हम देखेंगे कि अगर सिंपल डीएनए और जो डीएनए प्रोटीन के साथ इंक्यूबेट किया गया था उनकी लाइक मूवमेंट में उनके वो जो स्पॉट है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है हमारा डीएनए प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रहा है। अभी तक हमने सिर्फ इसमें जेल रिटार्डेशन इंसान में हमने सिर्फ यही चेक किया है कि डीएनए प्रोटीन के साथ साथ बाइंड कर गया है ओके। बाइंड कर गया तो इसी वजह से क्या है डीएनए की रिटार्डेशन हुई है, स्पीड क्या हो गई है स्लो हो गई है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तभी इसको क्या बोला जाता है, जेल रिटार्डेशन ऐसे, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, मोबिलिटी पे मतलब उसकी जो मोबिलिटी थी उस पर फर्क पड़ गया है, उसकी जो मोबिलिटी थी उसकी स्पीड थी वो शिफ्ट हो गई है, दैट इज आर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। ओके, अब इसी के लिए एक तीसरा टेक्निक होता है, दैट इज आर डीएनए फुट प्रिंटिंग ऐसे। क्या है वो? डीएनए फुट प्रिंटिंग ऐसे। ओके, ये भी क्या है, ये इसी का आगे का पार्ट है, फुट प्रिंटिंग ऐसे, ये क्या है हमारा, इसी का आगे का कॉन्टिन्यूशन है। पर इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली देखा जाता है एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब एग्जैक्टली हमारा प्रोटीन कहाँ पे बाइंड हुआ है, एग्जैक्टली प्रोटीन बाइंडिंग पोजिशन, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पे बाइंडिंग हुआ। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, देखिए एक नॉर्मल हमारा डीएनए हो गया, लेबल्ड डीएनए यूज कर लेते हैं मोस्टली, इसमें लेबल्ड डीएनए यूज कर लो आप, और हमारा क्या यहाँ पे डीएनए नॉर्मल हो गया और यहाँ पे क्या है प्रोटीन बाइंड है, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, इसको हम ट्रीट कराएंगे डीएनए वन से, इसको भी ट्रीट कराएंगे डीएनए वन से। तो हमें पता है डीएनए वन का काम क्या होता है, वो ब्रेक करता है, ठीक है, डीएनए पे एक्ट करता है। यहाँ पे डीएनए वन एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। यहाँ पे भी डीएनए वन एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, जिस पर यहाँ पे जो फ्री पार्ट है, अनअटैच्ड पार्ट है, उसको तो ब्रेक कर देगा, पर जहाँ पे हमारा प्रोटीन जितने एरिया में बाइंड है उसको ब्रेक नहीं करेगा। फिर यहाँ पे भी सेकंड कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे चेक करोगे, आप उसको लोड करोगे इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में और वहाँ पे आप देखोगे कि आपके सैंपल के कैसे आपको अलग अलग बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अलग अलग साइज के बैंड मिलेंगे, इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, जहाँ पे प्रोटीन बाइंड नहीं हुई थी, नो प्रोटीन बाइंडिंग, बट इनकेस जहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग हुई थी वहाँ पे हमें क्या है, एक बैंड अलग मिलेगा, अलग कह लो कि जैसे ये वाला बैंड मैं मिस कर देती हूँ, तो एक बैंड हमें यहाँ पे मिलेगा, इसका मतलब इस पर्टिकुलर रीजन पे हमारा डीएनए प्रोटीन क्या है, बाइंड हो गई है। तो आप उससे एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि हमारा जो है डिजायर्ड जगह पे प्रोटीन बाइंड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन पे जो सॉरी प्रोमोटर रीजन है उस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया है कि नहीं हो गया। अगर मैं यहाँ पे डीएनए लिखूं एज प्रोमोटर और हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज, तो यहाँ पे चेक हो जाएगा क्या हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये इसका बेनिफिट होता है डीएनए फुट प्रिंटिंग का। ओके, ये एग्जैक्ट लोकेशन बनाता है, बताता है, और ये बताता है कि क्या वो बाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मली जो लैब्स में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आर इम्सा टेक्निक। मुझे उम्मीद है आपको ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है, एसडीएस, जेल रिटार्डेशन और डीएनए फुट प्रिंटिंग, आज के लेक्चर में समझ आ गया होगा। इनके स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने आपको ये विद एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि प्रोमोटर के साथ बाइंड हुआ है नहीं हुआ है। अब आपको समझ आया जो एक्सपेरिमेंट जो हमें एग्जाम्स लाइक जो पेपर छपे हुए होते हैं या प्रिंट होते हैं लाइक ये जर्नल्स में, उनमें क्या है यही सब मेथड्स को यूज़ करके बताया जाता है कि प्रोमोटर्स कौन सा है, क्या उन पे ना लाइक एंजाइम्स बाइंड है। ओके, थैंक यू।